हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने सबसे पहले आपको अपनी किचन दिखाई, दोनों बेडरूम दिखाई और वॉशरूम्स दिखाई, डाइनिंग रूम दिखाया। आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपने घर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर, और ये है मेरे घर के मेन गेट के सामने। ये है मेरे घर का मेन गेट और उसके बिल्कुल सामने ये है मेरा बुद्धा कॉर्नर जो बिल्कुल एंट्रेंस के सामने है। बहुत धीरे धीरे मैंने इसे डेवलप किया, देखिए आप। यह है वुडन कंसोल टेबल, ये भगवान बुद्ध जो मैंने अमेजोन से खरीदे, और ये देखिए ये इसके पीछे दीवार पे सन। हर एक चीज़ की अपनी एक अलग कहानी है। ये सन मैंने खरीदा दिल्ली हाट से, लोहे में बना हुआ है। जब मैंने इसे खरीदा तो ये टोटली ब्लैक था, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर सिल्वर कलर कर दिया स्प्रे पेंट से, और थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको रेड येलो देख रहे हैं आप, हल्का सा हाईलाइट कर दिया, और थोड़ा ब्लैक भी यूज़ किया मैंने, क्योंकि जो बहुत डार्क ब्लैक था वो मेरे इस रूम के साथ नहीं जा रहा था। फिर ये भगवान बुद्ध मैंने खरीदे अमेज़ॉन से, और इनके भाव मुझे बहुत पसंद आए, बहुत शांत और अच्छा लगा मुझे इनकी ड्रेस सब कुछ, तो मैंने इसे यहाँ पर लगाया एकदम अपने घर के एंट्रेंस के सामने। और ये दो टी लाइट आप देख रहे हैं, ये मैंने खरीदी थी होम सेंटर से, और इसके नीचे जो वाइट कलर की ट्रे है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। एक्चुअली ये प्लांट्स के लिए मिलती है, बट मुझे टी लाइट जो है वो बिना बेस के अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसका बेस बनाने के लिए मैंने नीचे इसको इन दोनों ट्रेस को लगा दिया। और आप देख रहे हैं टी लाइट में मैंने कुछ रंगीन पत्थर भी भरे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं टी लाइट आपको जला के दिखाऊंगी, क्योंकि टी लाइट अगर मैं जलाती थी तो बहुत नीचे को हो जाती थी, या पानी में जलाती थी तब भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरीके से ये पत्थर भरने से अच्छा भी लग रहा है और ईजी भी है। और ये देखिए साइड में ये दोनों कंटेनर देखिए आप, ये मैंने अपने माली से मंगाए, और ये स्टिक्स दोनों में तीन तीन स्टिक हैं, स्पायरल बैम्बू है ये। दोनों की कीमत जो मुझे पड़ी वो 120 के आसपास पड़ी। और ये जो पॉट देख रहे हैं लंबे वाले, ये अबाउट 400 रुपीज़ का है, और इन प्लांट्स को लगाए हुए भी 6 महीने के आसपास हो चुके हैं। और ये देखिए स्पायरल बैम्बू कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, और कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार हम पानी को बदल देते हैं, बस उसी में काम चल रहा है। एक चीज़ और देखिए, इनमें मैंने बेस में थोड़े से पत्थर डाले हुए हैं, ताकि ये कंटेनर ग्लास के हैं, हिले ना गिरे ना। और नीचे अच्छा एक चीज़ और मज़ेदार बताऊँ आपको मैं, कंसोल टेबल पे जो ये आप ग्लास रखा हुआ देख रहे हैं, ये मैंने अपनी पुरानी डाइनिंग टेबल से कटवाया है। मेरे पास एक बहुत पुरानी डाइनिंग टेबल थी जो मुझे डिस्कार्ड करनी थी, तो मैंने सोचा मतलब अगर मैं बेचूंगी मुझे क्या मिलेगा, 1000-2000 अवल तो वो पैसे दे के उठवानी पड़ती मुझे, तो उसका ग्लास बहुत अच्छा था। तो मैंने जब ग्लास वाले से पूछा कि इसमें से कट जाएगा, उसने कहा हाँ जी मैम। तो ये देखिए आप, ऊपर का ग्लास भी और नीचे का ग्लास भी दोनों उसी में से कटे हैं, और पूरी डाइनिंग टेबल को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। उसकी पहले की फ़ोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने उसमें से क्या क्या बनवाया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब नीचे ये प्लांट देखिए आप, ये चेमिडोलिया पाम है जहाँ तक मुझे इसका नाम पता है। ये एक ड्राफ्ट पौधा है, बौना पौधा है। मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं की, मतलब मैंने इसको बोनसाई नहीं बनाया है, पर ये अपने आप में बोनसाई है, तो ये बहुत इजीली चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस हर 6 महीने में रिपोर्टिंग कराते रहें। और मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मैंने ऐसे 3-4 प्लांट और रेडी किए हुए हैं। ये देखिए इसको स्नो वाइट कहते हैं, एक और इसी पाम का एक और ट्रे, ये एक और ट्रे। तो इस तरह से
मैंने 3-4 पौधे रखे हुए हैं और मैं क्या करती हूँ, अदल बदल करती रहती हूँ कि जो है इसको इसको बदल के बाहर रख दिया, दूसरी ट्रे को रख दिया, फिर तीसरी ट्रे को रख दिया। तो इस तरह से मैं इसको अपने इस कॉर्नर को हरा भरा रखती हूँ, सुंदर रखती हूँ और मेरे प्लांट्स भी खराब नहीं होते। और ये आप ट्रे में रखे हुए पत्थर देख रहे हैं, ये संगमरमर के गोल पत्थर इजीली मिल जाते हैं, किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। तो ये आप डेकोरेट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी रिपोर्टिंग करते रहिए हर 6 महीने में। एक बार लाइट जला के दिखाएं। हाँ अब आपको टी लाइट जला के दिखाते हैं एक बार। टी लाइट जलाकर ये कॉर्नर बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने कोशिश की किसी तरह की भीड़ ना हो। हाथ हाथ बचा के बेटा, हाथ जल जाएगा। दूसरी जला लीजिए आराम से। ये देखिए दोनों टी लाइट जल रही हैं। मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। आपको मेरी किचन भी पीछे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो बुद्धा कॉर्नर है ये बिल्कुल मेरे ड्राइंग रूम के कॉर्नर पे है, मेरे एंट्रेंस के एकदम सामने। लाइट जलाना बेटा एक बार। यस ये देखिए आप, एकदम शांत और सुंदर। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये बुद्धा कॉर्नर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।